अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, क्या आपको चिकन पसंद है, अचार पसंद है? अच्छा छोड़िए, क्या आपको रैप्स पसंद है? पसंद है ना, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के अचारी चिकन रैप्स। रेसिपी शुरू करने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे गोल्ड मेंबर्स का, जिनके नाम हैं कायनात बागबान, रुबीना शेख और पटेल्स किचन ऑफिशियल। स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर छोटे छोटे बोनलेस चिकन के पीसेस लिए हैं। इस तरह से एक टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। ये चिकन 500 ग्राम है। एक टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 2 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। साथ में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे एक साइड पर रख देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये रेसिपी बताई है। वैसे बच्चों को आजकल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए, ये मिक्स हो गया, इसे हमने कर दिया कवर, एक साइड पर रखेंगे, दूसरी तैयारियां करेंगे। छोटू सा पैन हमने गरम करने के लिए रखा। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डाल देंगे उसमें। 1 टेबलस्पून ही सौंफ, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और 1/2 टेबलस्पून राय। ज़ीरा और राय ये दोनों धनिया और सौंफ का आधा डालेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम है, 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। कोई भी अचारी चिकन, अचारी मटन, ये हमारे घर में फेवरेट है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अलग और डिफरेंट होता है। मसाले अलग से जाते हैं इसमें। ये दोनों हमने बनाया है और अपलोड किया है, लिंक्स हम ऊपर देंगे आई बटन पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 1 मिनट के आसपास रोस्ट कर लिया। यहाँ फ्लेम बंद करेंगे। ये अभी गरम गरम है। इसमें हम डालेंगे कलौंजी, ये 1/4 टीस्पून। साथ में मेथी दाना, ये भी 1/4 टीस्पून। गरम गरम में डालकर बस इसे चलाएंगे आधी मिनट और, तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। फ्लेम ऑफ करके डालना है। ये तो रोस्ट हो गए, अलग बर्तन में हमने निकाल लिया ताकि ये ठंडे हो जाएं। मसाला ठंडा हो गया, मिक्सर में डालेंगे। इसका ना दरदरा पाउडर बनाना है हमें, बिल्कुल फाइन नहीं। 3 ही बार हमने चलाया, इसको निकाल लेंगे। साथ में इसमें 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। ये कम की जा सकती हैं अगर आप तेज़ कम खाते हैं। ये अचार का मसाला बनाकर स्टोर किया जा सकता है एयरटाइट कंटेनर में। अगर आप ज़्यादा दिन स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, तो नमक से एक्सेस मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये मसाला ज़्यादा दिन तक रह सकेगा। फिर आप अचारी मटन, अचारी चिकन, अचारी रैप्स जैसे हम बना रहे हैं, ये सब फटाफट बना सकेंगे। इतना टाइम जितना हमें लगा ये मसाला बनाने में वो सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर। एक फ्राई पैन हमने गरम किया, उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मिला देंगे। ऑयल गरम हो गया, 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे। इस तरह हमने रफली स्लाइस कर लिया है इसे। फ्लेम मीडियम है, प्याज को बस हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा, जब हमें लगे कि ये गोल्डन होने ही वाली है तब तक पकाएंगे। जब ऐसी प्याज हो जाए डाल देंगे चिकन। फ्लेम को हाई रख के 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। अगर अचारी मसाला पाउडर आपके पास है या आपने पहले से बना लिया तो आप चिकन के मैरिनेशन में डाल सकते हैं। ये 1/2 किलो चिकन है, इसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ करने वाले हैं। या तो हमारी तरह कर सकते हैं, पहले चिकन को मैरिनेट कर दिया फिर मसाला बनाया, तो इस तरह से थोड़ी देर चिकन मैरिनेट भी हो जाती है तो वो भी खुश हो जाती है कि हमें थोड़ा मैरिनेट करके रखा और साथ में हमारा मसाला भी तैयार हो जाता है। साथ में 1 टेबलस्पून अचारी मसाला भी डालेंगे। ये वाला टेबलस्पून जो इजीली सबके घर पर होता है, ये हमने 1 भरकर डाल दिया। वैसे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा अचारी पसंद करते हैं। 1 टमाटर लिया हमने, इसको भी इस तरह से पतला पतला कट करके डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा फ्लेम को हमने बढ़ा दिया है, 1 से 2 मिनट और पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चलाया। फ्लेम लो करके चिकन को गला लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। चिकन का तो हमने रख दिया गलने के लिए। थोड़े कैप्सिकम और थोड़ी कैबेज भी कट कर ली हैं, प्याज और टमाटर भी कट कर लेते हैं। वैसे क्या बन रहा है आज? कुछ नहीं। कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम।
मैं वैसे फ्री था, अगर आपको कुछ हेल्प की जरूरत हो तो मैं कर देता। ऐसा कीजिए, ये प्याज और टमाटर कट करके ले आइए। अच्छा, श्योर श्योर। अच्छा, ये जो प्याज और टमाटर जो काटने हैं वो कैसे काटने हैं? इसकी सीड्स निकाल कर जूलियन कट करना है और इसको भी लंबा लंबा कट करना है। स्माइल करके बोलो, माहौल बहुत गर्म है। ये पैन पैन गर्म है। दोस्तों, पता है आज हम इनसे नाराज हैं, और जब भी हम इनसे नाराज होते हैं ये हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो लगे हाथों थोड़ी सब्जियां कट जाएगी, चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 10 से 12 मिनट रख दिया था, चिकन गल गई है और काफ़ी ड्राई हो गई है, ऐसी ही चाहिए बिल्कुल हमें। ये पॉइंट पर नमक को भी एक बार टेस्ट कर लें, परफेक्ट है कि नहीं, ज़रूरी लगे तो डाल दें। काफ़ी सारा हरा धनिया डाल देंगे इसमें, और यहाँ हमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो थोड़ी सी डालेंगे, हाफ टी स्पून के आसपास। चिकन रेडी हो गई, सब्जियाँ हो गई, इसे बंद करेंगे, सॉसेस की तैयारी भी कर लेते हैं। मैडम जी, रेडी? रख दीजिए। कहाँ रखूँ? अभी तो बताइए क्या बन रहा है। कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं, अभी भी गर्म है। हमने यहाँ गाढ़ा दही ले लिया है, आधा कप है ये। इसमें हम चटनी डाल देंगे, तो ये पुदीने की चटनी इसमें डालेंगे। 2 टीस्पून भरकर डाल दिया हमने, वैसे आप ज़्यादा चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये चटनी किस तरह बनाई जाती है हमने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर दे रहे हैं, ज़रूर से बनाइएगा और स्टोर कीजिएगा। लेमन जूस भी डालेंगे, तो मीडियम साइज़ के लेमन का हमने आधे लेमन का जूस डाल दिया इसमें। ये सॉस का खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास। बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है हमारा सॉस। यहाँ पर हमने तौतिया रैप्स ले लिए हैं इस तरह के, ये रेडीमेड भी मिलते हैं मार्केट्स में, और चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। घर पर किस तरह बनाते हैं इसका लिंक हमने ऊपर दिया है आई बटन पर, आप बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसे हम ले लेंगे, बाकी के कवर करके रख देना है। गरम तवे पर डाल दिया इसे, बनाने के पहले बस हल्का सा गरम करेंगे इसे, फिर बनाएंगे। इसे बनाकर थोड़ा थोड़ा सेक कर, जैसे हमने रखा इस तरह रखा भी जा सकता है। तवे को पहले गरम करना है, उसके बाद इसे डालकर बस आधे मिनट तक सेकना है। हो गया। तो सबसे पहले हम रैप्स पर मेयोनीज लगाएंगे, जो ऑप्शनल है, आप ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेयोनीज को अवॉइड करें। बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा सा एक तरफ हम डालेंगे सारी चीज़ों को इस तरह, इतने पोर्शन में। मेयोनीज पर कैबेज डाल देंगे। आप यहाँ आपकी पसंद की वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसमें खीरा डाल सकते हैं, ककड़ी, चाहे तो लेटस डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो यूज़ करें। चिकन जो हमने रेडी की, सब्जियों की और चिकन की जो क्वांटिटी है ये टोटली आप पर डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हैं तो अच्छा सा लोड करके बनाएं रैप को, और अगर कम पसंद करते हैं तो इससे कम भी डाल सकते हैं। कैप्सिकम, टमेटोस, थोड़ी प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा थोड़ा इस तरह से बड़ा बड़ा कट करें, क्रंची लगती है रैप्स में। फाइनली जो सॉस हमने रेडी किया उसे डालना है। ये भी आप जितना पसंद करते हैं वो हिसाब से डालें। हमें इसमें थोड़ी हरी मिर्च छोटी छोटी कट करके डालना पसंद है, वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ही डालें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लेमन जूस। लेमन जूस का फ्लेवर चिकन आचारी रैप में बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालें। चाट मसाला, रैप्स में चाट मसाला डालने से एक जिंग आता है उसमें, तो थोड़ा चाट मसाला ज़रूर से डालें। काफ़ी सारी सब्जियां हम डालते हैं तो नमक नहीं डालते, उसके बदले थोड़ा चाट मसाला।
बस इस तरह से रैप करके रखते जाएंगे। सारे रैप्स रेडी करेंगे। तवे को हमने गर्म किया, उस पर थोड़ा बटर डाल देंगे। सब तरफ बटर को फैला देंगे। एक एक करके रैप्स रख देंगे इस पर। हमने यहाँ पर 4 रैप्स बनाकर तैयार किए हैं, लेकिन इतनी चिकन में आराम से 6 रैप्स बनाए जा सकते हैं। फ्लेम को लो रख के एक तरफ अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देंगे। थोड़ा थोड़ा बटर दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। पलटाएंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने तक पकाएंगे। बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है। सब तरफ से अच्छे से हमने इन्हें क्रिस्पी कर लिया है। परफेक्टली ये डन हो गए हैं। निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, तैयार कर लिए हमने चिकन अचारी रैप। कौन कहता है कि जो चीज़ें हेल्दी होती हैं वो टेस्टी नहीं होती। ये रैप्स हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए जनाब को बुलाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें थोड़ा परेशान भी करके रखा है, तो उन्हें बुलाते हैं टेस्ट करने के लिए। क्या कहते हैं, बुलाया जाए? आ जाइए। आ गए। आ जाए ना, पक्का ना? आ जाइए। तो दोस्तों, आज हम ट्राई करने वाले हैं ये, वो क्या कहा था आपने, कुछ नहीं। आज हम कुछ नहीं ट्राई करेंगे, और कुछ नहीं ट्राई करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ नहीं कैसे लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। दोस्तों, पता नहीं ये कुछ नहीं का सिलसिला कितना लंबा चलने वाला है। पहले इनकी बारी थी, अब हमारी बारी। तो जरूर से इस डिश को ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।